जोधपुर में 27 अक्टूबर को एक हत्याकांड ने राजस्थान में खलबली मचा दी। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें अब बड़े खुलासे खुल के सामने आ रहे हैं। दरअसल जोधपुर की रहने वाली अनीता चौधरी के परिवारजनों ने अनीता के लापता होने की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर की शाम को पुलिस ने जोधपुर के गंगड़ा क्षेत्र में मिट्टी के अंदर अनीता का शव बरामद किया था। पुलिस ने जेसीबी से खड्डा खोदकर शव को बाहर निकाला था और हत्यारे ने अनीता की हत्या कर शव के 6 टुकड़े कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिए थे। पुलिस को अनीता के फोन से गुल मोहम्मद के साथ संपर्क होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने गंगाना गांव में गुल मोहम्मद के घर छापेमारी की और शुरुआत में गुल मोहम्मद की पत्नी ने कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पति ने अनीता की हत्या कर शव को घर के पीछे दफना दिया है। जानकारी के अनुसार गुलमुद्दीन ने ये गड्ढा अपने घर के पीछे हत्या से 3 दिन पहले ही खोद दिया था। जोधपुर पुलिस ने अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर अब कुछ बड़े खुलासे किए हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला मिसिंग है। इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन है, पूरा नाडा में रहता है, वहां तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके जमीन में इसे दफना दिया है। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहां मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, ये मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बुरानाड़ा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदि था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000, कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया, और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में है, ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से भी पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे, और वहां जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले एक दिन से लगी हुई है, और काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। हाँ, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि एक शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था, और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर है वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है, और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये नहीं, ये तो अभी एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल था नहीं था, वो चीजें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठ कर जा रही है, और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। हथियारों का कुछ मतलब किस तरह हथियारों? बिल्कुल, हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है, एक बेसिकली चॉपर जो होता है इस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है, और उसके बारे में भी अभी हमें सूचना मिली है, और उसको भी दस्तयाबी करने अभी हमारी पुलिस टीम गई हुई है। नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात
अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर, और उस पूरी प्रक्रिया में ये घटना को कारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। ये इसका लास्ट मुकदमा 2008 का है, 2007 और 2008 केवल दो वर्ष इसके मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं। उसके बाद 2008 के बाद इसके कोई और मुकदमे नहीं।